Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about eclipses. Kids, in Hindi, eclipse means grahan. Eclipse means grahan. Okay? Now children, as we know that an opaque object doesn't allow the light to pass through it. चिल्ड्रन हम सभी जानते हैं कि कोई भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, वह लाइट को पास होने से रोकती है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज डायरी, ओके, और ये क्या है, एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हियर यहाँ से क्या हो रही है, आपकी लाइट आ रही है, तो आप देख रहे हो कि लाइट क्या नहीं हो पा रही है, पास नहीं हो पा रही है. ओके, नाउ चिल्ड्रन हियर शेडो इज फॉर्म. यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका शेडो बन रहा है. व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड, यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, ब्लॉक्ड हो रही है किसके द्वारा, बाय एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या हो रही है, लाइट ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पर एक शेडो बन रहा है. ठीक है, एक छाया बन रही है. ओके, नाउ चिल्ड्रन ये जो शेडो है ये इस ऑब्जेक्ट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा. ओके, ये शेडो कहाँ बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अब ये शेडो का जो शेप और जो साइज है वो भी किस बात पे डिपेंड करता है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वह लाइट सोर्स से किस पोजीशन पे है. ठीक है, तो जहाँ से लाइट आ रही है उससे जिस भी पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी, आपका शेडो बनेगा. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका शेडो का साइज और शेप होगा. ओके, नाउ चिल्ड्रन इन दिस केस एक्लिप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो अर्थ और मून है वो दोनों भी क्या है, एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है. अर्थ और मून क्या है, एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन मून एंड अर्थ द शेडो इज फॉर्म ऑन ईच अदर. ठीक है, जब सनलाइट मून और अर्थ पे पड़ रही है तो इनका शेडो क्या हो रहा है, एक दूसरे पे पड़ रहा है. ओके, तो हियर एक्लिप्स मीन्स क्या है, एक्लिप्स रियल में क्या है, एक शेडो है. एक्लिप्स मीन्स क्या है, शेडो. ओके, जिसकी वजह से जो सन और मून है, ठीक है, वह हमें पार्शली और टोटल फॉर्म में हमें इनविजिबल नजर आ रहा है. ठीक है, मीन्स इस शेडो की वजह से हमें मून और सन या तो हमें थोड़ा सा चमकते हुए नजर आते हैं या हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन अभी यहाँ पर हम समझेंगे. ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है. देखो, जब सन, ओके, व्हेन द सन मून एंड अर्थ, ठीक है, ये तीनों जब स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, ये तीनों जब स्ट्रेट लाइन में आएंगे तब क्या होगा, तब आपको मून का और अर्थ का एक दूसरे पे क्या मिलेगा, शेडो देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये शेडो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि ये सन से किस पोजीशन पे है, कि अर्थ सन के फ्रंट में है या फिर मून सन के फ्रंट में है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि अभी फ्रंट में आपके क्या दिख रहा है, मून दिख रहा है. ठीक है, कोई पोजीशन ऐसी भी आएगी कि जब ये मून कहाँ पहुंच जाएगा, आपके किधर साइड पहुंच जाएगा. ठीक है, तो तब आपको कैसा देखने को मिलेगा उसके बारे में हम समझेंगे. नाउ चिल्ड्रन दिस इज हाउ एक्लिप्स आर अकर. सो चिल्ड्रन एक्लिप्स आर टू टाइप्स. एक्लिप्स कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं. ठीक है, तो आपको समझना आया एक्लिप्स मींस क्या है, शेडो. ओके, और ये एक्लिप्स कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं. ओके, फर्स्ट वन इज लूनर एक्लिप्स एंड सेकेंड वन इज सोलर. ओके, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण. ओके, एंड सोलर एक्लिप्स को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लूनर एक्लिप्स. अभी हम लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ चिल्ड्रन व्हेन द अर्थ इज कम्स बिटवीन द सन एंड मून, जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है. ठीक है, दिस वन इज अर्थ एंड दिस वन इज मून. ठीक है, ये क्या है, अर्थ हो गया आपकी, ये आपका मून है और ये है आपका सन. ठीक है,
सूरजा अर्ध किसके बीच में आ रही है, सन और मून के बीच में आ रही है, तब हमें मून क्या नहीं आता, नजर नहीं आता है। ठीक है, क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की लाइट है किसका पड़ रही है, अर्थ का पड़ रही है, अर्थ के भी हाफ हिस्से में पड़ रही है। ओके, ना अब इधर की साइड जिस हिस्से में सन की लाइट पड़ रही है उस हिस्से में क्या है आपका डे, है ना, और जिस हिस्से में अर्थ की लाइट नहीं पड़ रही है वहां पर क्या है आपका नाइट। ओके, यहाँ पर क्या है आपका नाइट। ठीक है, ना अभी क्या होगा, अब मून पर किसका शैडो बन रहा है, यहाँ पर मून पर अर्थ का शैडो बन रहा है। ठीक है, तो मून के जिस पॉइंट पर अर्थ का शैडो बन रहा है, देखो ये पॉइंट पर क्या बन रहा है, अर्थ का शैडो बन रहा है, इसे हम बोलेंगे अमरा। क्या बोलेंगे इसे, हम अमरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो अर्थ का क्या बन रहा है, यहाँ पर शैडो बन रहा है, किस पर, मून पर, मतलब अर्थ की छाया किस पे पड़ रही है, मून पर पड़ रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर अर्थ की सबसे ज्यादा शैडो पड़ रहा है, मतलब डार्क शैडो पड़ रहा है, उसे हम कहेंगे, उस पॉइंट को हम अमरा कहेंगे। ठीक है, तो अमरा क्या है, डार्क शैडो। ठीक है, किसका, अर्थ का। ठीक है, किस पर, मून पर। ठीक है, और उसके जो दूसरे हिस्से हैं, मतलब जिस हिस्से पर आपको ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको हल्का सा शैडो, मतलब लाइट शैडो देखने को मिल रहा है, इस हिस्से को हम बोलेंगे पेनुम्ब्रा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका क्या देखने को मिल रहा है, लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स कैसे देखने को मिल रहा है, सन की लाइट किस पे पड़ रही है, अर्थ का, अर्थ के जिस हिस्से पर पड़ रही है वहां पर क्या है डे, और हाफ हिस्से में जिसमें नहीं पड़ रही है वहां पर क्या है नाइट। तो मून क्या है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में है, बीच में क्या है आपके अर्थ आ रही है, इस वजह से सन की लाइट मून पर नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि, ठीक है, जो अर्थ है उसका शेडो किस पर बन रहा है, मून पर बन रहा है। ओके, तो जिस पॉइंट पर अर्थ की सबसे ज्यादा डार्क लाइट पड़ रही है, डार्क शेडो पड़ रहा है अर्थ का, उसे हम क्या कहेंगे, अमरा, और जहां पर लाइट शेडो पड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो पेनुम्ब्रा क्या है, लाइट शेडो। ओके, नाउ चिल्ड्रन, कभी कभी अब देखो मून अभी तो यहाँ पर ठीक सेंटर में है, ठीक है, कभी किस पोजिशन में मून, यहाँ पर भी होगा और या फिर यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो जब सेंटर में है तब तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, टोटल लूनर एक्लिप्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं पड़ पा रही है, सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है, और अर्थ का क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। लेकिन जब मून इस पोजिशन में होगा तब हल्की सी सन की लाइट इसके उस सरफेस पे पड़ेगी। ठीक है, हल्की सी लाइट आपके पड़ेगी और इस पोजिशन में भी, तो इस मून को हम क्या कहेंगे, तब इस पोजिशन को हम क्या कहेंगे, पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है, तो पार्शियल मतलब क्या है, आंशिक रूप से, मतलब कुछ हिस्से में जब क्या पड़ रहा है शैडो पड़, मतलब कुछ हिस्से में जब सन की लाइट पहुंच रही है उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका, पार्शियल एक्लिप्स। अंडरस्टूड ना चिल्ड्रन, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपका लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है, मतलब जब आपका चंद्र ग्रहण होता है, तब हमें मून रेड कलर का नजर आता है। कैसे कलर का नजर आता है, रेड कलर का, और उस मून को हम रेड मून भी कहते हैं या फिर ब्लड मून भी कहते हैं। तो वो रेड कलर का हमें कैसे नजर आ रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब रेड लाइट क्या हो रही है, डिस्पर्स हो गई, या रेड लाइट का जो शेडो है
वह किस पे पड़ेगा, मून पे पड़ेगा। इस वजह से मून हमें कैसे कलर का नजर आता है, रेड कलर का नजर आता है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड मून क्या है, जब मून कैसे कलर का नजर आएगा आपको, रेड कलर का। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ पे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है, अर्थ में क्या है, एटमोसफेयर है। तो ये एटमोसफेयर और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, इस लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, बिखरा देते हैं। ठीक है, और बिखरा देते हैं और रेड लाइट को कहाँ पर छोड़ते हैं, मून पर। ठीक है, तो मून हमें कैसे नजर आता है, रेड कलर का नजर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड मून। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अर्थ के एटमोसफेयर के कारण। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोलर एक्लिप्स। अब हम सोलर एक्लिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सोलर एक्लिप्स आपको पता है, सोलर एक्लिप्स को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं इसे हम, सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन व्हेन द मून इज कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, देखो ये क्या है हमारा सन, ठीक है, दिस वन इज मून एंड दिस वन इज अर्थ। तो आपने पहले भी पढ़ा है, ये कौन सी सिचुएशन बन रही है आपका, न्यू मून। एक तरह से आप देख रहे हो ना, न्यू मून टाइप का आपका बन रहा है। ठीक है, तो इस पोजिशन में देखो आप क्या आ रहा है, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब सन की जो लाइट है वो मून के किस हिस्से में पड़ेगी, आधे हिस्से में पड़ेगी, है ना, इस हिस्से पे पड़ रही है, तो ये हिस्सा क्या हो रहा है, चमकेगा, और हाफ हिस्से में नहीं पड़ती है। तो अर्थ से हमें जो हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है, तो अर्थ से हमें जो मून है वो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस मून का, ये जो इधर वाले हिस्से का जो मून है, इसका शैडो जब सन पे बनता है तब हमारा क्या होता है, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो अभी जो हमने लूनर एक्लिप्स पढ़ा था, तो लूनर एक्लिप्स में जो शैडो है वो किसका किस पे पड़ रहा था, अर्थ का मून पे पड़ रहा था। लेकिन जो सोलर एक्लिप्स है इसमें शैडो किसका पड़ रहा है, किस पर, इसमें मून का सन पर पड़ेगा, जिसकी वजह से सन हमें नजर नहीं आता है। ठीक है, कभी हमें आधा थोड़ा बहुत नजर आता है, कभी हमें पूरी तरह से ही नजर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर शैडो किसका बन रहा है, मून का किस पे बन रहा है, सन पर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से समझो, देखो अगर मान लो हम इस पॉइंट में है, ठीक है, यहाँ पर आप हो और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, इस एक्लिप्स को आप देखोगे तो आपको जो सन है वो नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका क्या हुआ है, टोटल सोलर एक्लिप्स बन रहा है। ठीक है, और जब आप इस हिस्से से देखोगे, मतलब पेनुम्ब्रा वाले हिस्से से, मैंने आपको बताया था कि अमरा और पेनुम्ब्रा वाले हिस्से में, मतलब इस वाले में जहाँ पर क्या है, हल्की लाइट है, इस वाले हिस्से से जब आप देखोगे तब आपको ये जो सन है ये एकदम पार्शियल शेप में नजर आएगा। ठीक है, इस पर मून का शेड बन रहा है, तो इतना आपको क्या हो रहा है, सन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ओके, आपको समझ में आया, इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और कभी कभी हमें अर्थ से देखने पर जो मून है, सॉरी जो सन है, वो कैसा नजर आता है, एकदम रिंग की तरह नजर आता है। ठीक है, कैसा नजर आता है हमें सन, इस तरह से। ठीक है, ये सन है, एकदम इसके बीच में क्या आ जाता है, मून का शैडो बन जाता है। ठीक है, और अर्थ से जब हम देखते हैं तो हमें एक ये जो बाहर का जो रिंग शेप है, जो स्ट्रक्चर है, ये हमें नजर आता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोरोना भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, तो इस सिचुएशन में हमें जो सन है वो किस तरह का नजर आ रहा है, रिंग शेप का। ठीक है, एकदम छल्ले की तरह हमें नजर आता है। तो ये क्या है हमारा, सोलर एक्लिप्स। ये क्या है हमारा, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, सो चिल्ड्रन जो सोलर एक्लिप्स है वो आपका इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, मतलब 7.5 मिनट तक ही आपका क्या रहता है, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, सोलर एक्लिप्स आपको कब देखने को मिलेगा, मतलब कितने मिनट का रहता है, 7.5 मिनट का। ठीक है, इसके अलावा लूनर एक्लिप्स आपका ज्यादा टाइम तक देखने को मिलता है,
क्यों देखने को मिल रहा है? देखो जो आपका लूनर एक्लिप्स है वो आपका 106 मिनट्स तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? ज्यादा है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? सोलर एक्लिप्स का कम है। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। देखो आपको पता है कि जो अर्थ है और जो मून है ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, खुद में भी रोटेट करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? यहाँ पर जब क्या हो रहा है, जब मून बीच में है, मतलब जब ये सोलर एक्लिप्स वाला पोजिशन है, तब क्या है, मून अर्थ और सन के बीच में है, तब अर्थ की जो ऑर्बिटल जो डायरेक्शन है, मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट है वो क्या है, मून के ऑर्बिट के जस्ट अपोजिट में है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ और मून का दोनों का ऑर्बिटल क्या है, अपोजिट है, जिसकी वजह से हमें कम समय में, मतलब जो इसका सोलर एक्लिप्स है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, कम है, ठीक है, मतलब 7.5 मिनट का है। लेकिन जब आपका लूनर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स में आपने देखा था कि जो मून है वो सन की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मून इधर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब मून इधर रहेगा आपका, तब अर्थ की ऑर्बिटल डायरेक्शन और मून की ऑर्बिटल, दोनों की ऑर्बिटल जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो सेम ऑर्बिटल डायरेक्शन होने की वजह से ये हमें कैसा, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आवर्स में, मतलब 106 मिनट्स में आपको ये लगभग इसका क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, मतलब इतने देर तक ये लगता है आपका। कौन सा एक्लिप्स? लूनर एक्लिप्स, ये आपका लूनर एक्लिप्स है, ठीक है, लूनर एक्लिप्स। अंडरस्टूड नाउ चिल्ड्रन, कुछ कंडीशंस भी हैं, ठीक है, सोलर एक्लिप्स, सॉरी कुछ कंडीशन है एक्लिप्स ना होने की। जैसे कि आप सोचते होंगे कि जब न्यू मून डेज है या फिर फुल मून डेज है तब आपका एक्लिप्स देखने को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उस समय भी तो क्या है कि न्यू मून डेज में भी क्या हो रहा है, मून बीच में आ रहा है ना, किसके, अर्थ और सन के बीच में, और आपका फुल मून में, फुल मून में आप देख रहे हो कि आपका मून और सन के बीच में क्या आ रही है, अर्थ आ रही है, तो पोजिशन तो आपको सेम नजर आ रही है। लेकिन इस सिचुएशन में आपका देखो हर महीने आपके क्या आते हैं, फुल मून न्यू मून आते हैं, तो उसमें आपका ग्रहण क्यों नहीं बन रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, ठीक है, और जो मून है आपको पता है मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता है, ठीक है। लेकिन मून का जो जो पाथ है, ठीक है, मतलब जो ऑर्बिटल डायरेक्शन है वो किस तरह से, देखो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक करके क्या करता है, इस तरह से राउंड, इस तरह से राउंड लगाता है, वेट, ठीक है। यहाँ से क्या है, सीधा है आपका, ठीक है, और ये किस तरह से घूमेगा, थोड़ा सा इस तरह से घूमता है, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे करके आपका इस सिचुएशन में आता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपका फुल मून होगा तब मून आपका इस साइड में रहेगा, ठीक है, मतलब आपको और से क्या हो रहा है, पूरा चमकता हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, ब्राइटेस्ट पोर्शन नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मून का जो शेडो है वो अर्थ के नीचे पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, मून का शेडो अर्थ के नीचे पड़ेगा, ठीक है। तो इससे इससे हमें, मतलब मून अर्थ में क्या नहीं पड़ेगा, शेडो नहीं बनेगा, ठीक है। और जब आपका न्यू मून, सॉरी आपका न्यू मून है, ठीक है, और जब आपका फुल मून पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका फुल मून है, ठीक है, यहाँ पर आपका न्यू मून है, ठीक है। तो न्यू मून में जो शेडो अर्थ के नीचे पड़ेगा, और फुल मून में, फुल मून में क्या होगा, जो सन है, सन की लाइट क्या होगी, मून इधर की साइड है, ठीक है, यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर से क्या होगी, सन की लाइट यहाँ पर पहुंचेगी और आपको जो ये दिखा रहे चमकता हुआ, ब्राइट मतलब चमकता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तब भी फुल मून है, इसका जो शेडो है वो क्या बनेगा, अर्थ के ऊपर की साइड बनेगा, ठीक है, तब भी इस पर हमें ये नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्थ से हमें ये कैसा चमकता हुआ नजर आएगा, और न्यू मून डेज में हमें चमकता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो न्यू मून आपको पता है ये अर्थ है और ये सन है, और मून इनके बीच में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, ठीक है, नीचे की साइड को आपका रहेगा, ठीक है। और जिस पोजीशन में आपका ये बीच में आएगा तब आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्लिप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका लूनर एक्लिप्स है ये साल में आपको दो बार देखने को मिलता है,
ठीक है। लूनर एक्लिप्स कितने बार देखने को मिलता है आपको? टू टाइम्स, ठीक है। वन ईयर में आपको दो बार लूनर एक्लिप्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रन, आई होप टुडे यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट एक्लिप्सेस। सो थैंक यू चिल्ड्रन।